हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से अपन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई। आपने इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू भाई। आप लोगों को देख करके लग रहा आउटडोर इस बार राहुल कहाँ से शूट कर रहा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड तो भाई के घर की लग नहीं रही। जैसा कि आप लोग ब्लॉग्स देखते हो, बहुत सारे हमारे ब्लॉग से यहाँ आए हो, तो अगर जो कोई नए हो तो जान लो हमारा ब्लॉग का चैनल है जिसका नाम है राहुल जेकर लव स्टोरी। ध्यान रहे राहुल जेकर लव स्टोरी बोलना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, उस पर विजिट कीजिए। हमारी लव स्टोरी वगैरह, मतलब लव मैरिज की है वो स्टोरी है, और बाकी उस पर ब्लॉग्स वगैरह दिखते रहते हैं कि अभी हम कहाँ आए हुए हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं, सब कुछ दिखेगा। ठीक है, चलिए तो अभी सब बात को हटाते हुए अब बात करते हैं मुद्दे की। जैसा कि एक भाई ने कमेंट किया था मेरे को Q&A में, उसका मैं क्वेश्चन को लिया था, बट सोचा था मैं कि इस पर एक वीडियो ही बना दूँ। उसका कहना ये था ना कि भाई आप मुझे जॉब ढूंढ करके बता दो ना, मुझे ना खुद से पूछने में बहुत ही शर्म आता है कि क्या सोचेंगे वो लोग, मतलब जॉब मैं उनसे जा कर के पूछूंगा कि मुझे जॉब चाहिए तो क्या सोचेंगे भाई। तो ऐसा सवाल हर एक किसी के मन में आता है, ऐसा नहीं कि अपन लोग बेचारा वही पहला इंसान है, अपन के साथ भी वैसा हो ही रखा है भाई। हर किसी के साथ, अधिकांश लोगों के अंदर ये होती है, ये बातें आ ही जाती है कि भाई वो क्या सोचेगा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जॉब के बारे में, कहेगा मॉल आया घूमने या आया वैकेंसी पता करने, गरीब आदमी है, मतलब लग जाता है, हर किसी के मन में लगता है। मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो मॉल वगैरह घूमने जाता था ना, तो मॉल में पूछने में बहुत डर लगता था, तो मैं ना स्टाफ वगैरह से बाहर जो रहता ना गार्ड, उनसे मैं पूछ लिया करता था, और वो पगला को कुछ पता वता रहता नहीं है, डायरेक्ट कह देता था वैकेंसी नहीं है साला, और अंदर पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये घटना मेरे साथ जो है ना द्वारका सेक्टर 14 में घटा था। वहाँ जब मैं रह रहा था तो वहाँ एक मॉल था, वेगास मॉल था, द्वारका सेक्टर 14 में एक मॉल है वेगास मॉल, अगर जो कोई देखे हो तो जानते ही होंगे, कमेंट कर दिएगा। तो उसी मॉल में मैं स्टाफ से पूछा था, इतना बड़ा मॉल था, दिल खुश हो गया था माहौल देख करके कि भाई अगर जो यहाँ मेरी जॉब लग जाएगी तो लाइफ सेट है भाई, ऐसा ही मॉल मुझे जॉब के लिए चाहिए, अच्छी खासी सैलरी भी होगी और माहौल भी यहाँ का बढ़िया है, एकदम एसी में पैक होकर के रहूँगा, बहुत काला हूँ मैं, गोरा चिट्टा हो जाऊँगा, थोड़ा इंग्लिश विंग्लिश सीख जाऊँगा, हर किसी के नए नए लड़की से हाई हेलो पे बात करूँगा, हेलो मैम, हाई मैम, हर किसी के मन में आते हैं थॉट, है कि नहीं भाई? और बेसी बात है, किसी के भी मन में आएगा, वैसे ही हमारे भी मन में आया था। ठीक है, सो ऐसे ही सोचते सोचते बहुत जगह ऐसे हुआ मेरे साथ। ठीक है, फिर हम शायद विकासपुरी में भी एक रिलायंस मॉल था नाम से, रिलायंस मॉल या क्या तो नाम था, आप कमेंट कर दीजिएगा, विकासपुरी में भी एक मॉल में मैं पूछा था। ठीक है, वहाँ भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। फिर धीरे 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 मेरे को पता लगा कि डायरेक्ट जा कर के भाई वहाँ पूछना, एक बार मैं हिम्मत लगा लिया था और दुकान मुझे बढ़िया लग रहा था, मैंने पूछ लिया था, वहाँ पर वैकेंसी भी मिल गई थी जो कि चिलीज़ था। आपको बताई थे कि यहाँ मैं किया था पैसिफिक मॉल सुभाष नगर में जो कि किया था, तो वहाँ वैकेंसी था, चिलीज़ में रेस्टोरेंट था, अच्छी खासी सैलरी भी मिला था, प्लस खाना वाना की भी फैसिलिटी वहाँ मिला था, तो उसमें मैं किया था। तो वहाँ से मेरे अंदर एक एक्सपीरियंस आया कि गार्ड से पूछने से कोई फ़ायदा नहीं, उनको कोई जानकारी होती नहीं है, जो भी जानकारी होती है सीनियर लोगों को ही होती है। जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे भी पता हो गया था ना कि इसमें वैकेंसी है या नहीं, तो मैं तो उस टाइम सीनियर नहीं था तो मेरे को वैकेंसी की पता नहीं थी। एक लड़का मेरे से भी आकर के पूछा था, भाई इधर कोई वैकेंसी है? मैंने बोला नहीं, लेकिन आप जाकर के उनसे पूछ लो सीनियर से। तो सीनियर से जब पूछा गया था तो वैकेंसी थी, जब सनी सर से पूछा गया पता लगा कि यहाँ वैकेंसी है। तो इससे क्या पता लगता है, हर एक बात हर किसी से शेयर नहीं किया जा सकता है मेरे भाई, है कि नहीं? ये बात भी सही है भैया है, हम अपनी वैकेंसी हो या ना हो हर किसी को हम क्यों शेयर करेंगे, बाहर में हम गार्ड को क्यों शेयर करेंगे? ज़रूरी है उस गार्ड को याद ही हो कि किस ब्रांड ने आकर के बोला है वैकेंसी है या नहीं, है कि नहीं भाई? वो लिख कर का पर्चा थोड़ी रखेगा, हाँ रुक जाओ इस ब्रांड में बोल रहे हो, कौन सा ब्रांड में आपको जॉब चाहिए भैया, इसमें देख रहा हूँ है या नहीं, है नहीं, ऐसा थोड़ी ना कोई करेगा। उसका गार्ड का जॉब है तो वो गार्ड का काम करेगा, आपका अलग जॉब है, एचआर का जॉब है तो एचआर का, हाँ इसे पूरा मॉल का भी एक एचआर होता है, जो कि मैं लाइफ स्टाइल में जब गया था ना तो उसमें एचआर का मुझे सेक्शन देखने को मिल गया था। सो वहाँ के अनुसार मैं कह पा रहा हूँ कि मॉल के भी अंदर एक एचआर होते हैं। ठीक है, आप या तो डायरेक्ट वहाँ से भी वैकेंसी पता कर सकते हो, या फिर आप डोर टू डोर यानी शॉप टू शॉप एक एक शॉप में जा करके पता कर सकते हो। ठीक है, एक बोनस टिप्स भी दूंगा लास्ट में कि वैकेंसी अभी रिसेंटली कहाँ है, 30+ है वैकेंसी, इतना जान लीजिए वैकेंसी है। सो मैं बता दूंगा बोनस टिप्स के तौर पे कि कहाँ है अभी वो वैकेंसी। ठीक है, फिलहाल अभी मुद्दे की बात करते हैं। सो देखिए ब्रदर, अगर जो चलना है खुद की पैरों पर तो क्यों हम भरोसा करें गैरों पर, क्या समझे भाई? अपन आपको रास्ता दिखा सकता है कि भाई इधर से जाओगे ना तो आप दिल्ली पहुँच जाओगे, दिल्ली मैं आपको पहुँचाने नहीं जाऊँगा, आपके रूम तक छोड़ने नहीं जाऊँगा, रास्ता बता दूंगा भैया ये रहा रास्ता, या ये इतने नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जाती है उससे जाइए, थोड़ी हम जाके आपको ट्रेन तक ले जाएंगे या फिर ट्रेन पे बैठा देंगे, अपना काम है आपको रास्ता बता देना, है कि नहीं भाई? अब अपन क्यों आपके लिए जॉब ढूंढने जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, हर किसी के मन में होता है हेजिटेशन। तो आप पहले अपने अंदर से लड़ना सीखिए, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, तभी किसी कंपनी में आप जॉब कर पाओगे, वरना वो भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगा, आप जॉब जाओगे पूछने के लिए जॉब है सर? शर्म लग रहा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
ऐसे करोगे भाई, कहेगा इसको क्या जॉब दे, इधर वाला पगला लगता है क्या आएगा मेरे अंदर, जॉब है सर ऐसे उसे करोगे, कहेगा क्या जब क्या बोले, कहेगा नहीं है जी, डायरेक्ट कह देगा नहीं है जी, कहेगा पहली बार मॉल में आए हो क्या, मतलब कोई भी बोल सकता है भाई, इसलिए कॉन्फिडेंस का एकदम लेवल में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा हाई भी नहीं चाहिए, लेवल भी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी बेवकूफ़ी साबित हो जाता है, ठीक है। सो लेवल में रखिए अपने कॉन्फिडेंस को और खुद से बात करना सीखिए। जैसे एक मॉल के अंदर कम से कम 200-300 ब्रांड रहते हैं, 200-300 शॉप रहते हैं, ठीक है, 2-4 में आप जाकर के गए, अपना हेजिटेशन को दूर किए, नहीं बताया वैकेंसी है, नहीं है, नहीं है, जैसे 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 जाते जाओगे आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगी, क्या समझे, जैसे आपको कोई काम दे तो आपको वो कठिन लगेगा करने में, बट आपको अगर जो वही काम अगर जो आपको दिन भर हो करना या महीना दिनों करना, तो आप जान जाओगे कि उसको शॉर्टकट में मैं कैसे कर सकता हूँ, ईजिली कैसे हो जाएगा। जैसे हम लोग मैथ ही बनाते हैं तो एकदम बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है, बट जब रिविजन करने लगते हैं ना तो उसका शॉर्टकट ट्रिक भी जान देते हैं, जान जाते हैं, क्वेश्चन देख करके उसका आंसर समझ जाते हैं कि इतना आंसर आएगा, तो उसको शॉर्ट में निकालो ना, 10/10 जैसे कि लिखा रहा है 100/20, तो हमको शॉर्टकट में पता है कि 5 आएगा, कि आप अब 5 से भागा देंगे 100 में, नहीं ना, क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया, हम भागा बना रहे हैं, अब एक्सपीरियंस हो चुका है सेम, तो आपके अंदर एक्सपीरियंस की जरूरी है, बार बार मैथ बनाया तब ना एक्सपीरियंस आया, इजीली आप आंसर कर दे रहे हो, क्या समझे, तो ये जरूरी है आपके अंदर, ठीक है, कॉन्फिडेंस आना, और बाकी कुछ जगह पे बेइज्जती होना भी जरूरी है, अपना भी हुआ था, सो जरूरी है ब्रदर, थोड़ा बहुत अपमान भी होगे जिंदगी में, ऐसे रॉकेट ही उड़ता है तो उसके पीछे आग लगना जरूरी है, क्या समझे, सो थोड़ा बहुत अपमान भी होगे, बट एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ेगा, आप नेक्स्ट टाइम किसी और शॉप पे जाओगे तो आप जीरो से नहीं स्टार्ट करोगे, क्या समझे, कुछ ना कुछ आपके अंदर एक्सपीरियंस से स्टार्ट करोगे, ये जरूरी है भाई, इसलिए अगर जो आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो अपने अंदर के डर को हटाइए, क्योंकि आपके लिए कोई बैठा हुआ नहीं है कि हम आपको जॉब ढूंढ करके दिला देंगे, डायरेक्ट कहेगा 50,000 रुपया लेंगे आपको वैकेंसी हम बता देंगे, जाओ, फिर इंटरव्यू भी लेगा, 1,00,000 रुपया लेंगे इंटरव्यू पास, तो भाई जब इतना पैसा ही देना पड़े तो जॉब की क्या फायदा, नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, कोई फ्री में आपके लिए क्या करेगा भाई, हमारा काम है आपको बता देना, जैसे आप एग्जाम ही देने जाते हो तो आपके लिए कोई और एग्जाम देने बैठ जाता है क्या, नहीं भाई, आप ही को बैठना पड़ता है, जस्ट सेम जिंदगी में भी आप बहुत कुछ सीखोगे, इसलिए इस हेजिटेशन को निकालिए मेरे भाई, बहुत सारे लोग के अंदर होगा हेजिटेशन, तो इस हेजिटेशन को एकदम दूर भगा दो, ठीक है, क्योंकि करना है तो करना है, डू और डाई, क्या दिक्कत है यार, वहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, या तुम्हारी बेइज्जत हो जाएगी तो वहाँ सब हंसने लगेगा, वो न्यूज़ तुम्हारे घर तक जाएगी, कुछ नहीं जाएगी, वहीं तक रहेगी वो बात, मजाक क्यों उड़ाएगा, डायरेक्ट कहेगा वैकेंसी है या नहीं है, आप कितना भी चूतिया की तरह भी बोलोगे ना तो भी वो हाँ या ना में जवाब देगा, हाँ जी है या नहीं, देने का मन होगा तो कुछ सवाल वगैरह करने लगे, आइए साइड में आइए बताइए ये वो वगैरह वगैरह ऐसे करके वो पूछेगा और दे देगा जॉब, अगर जो रह गया उसका इच्छा हो गया देने का, तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी जब गया था तो बढ़िया से मैं बात किया था कि हेलो सर नमस्ते, सनी सर से फर्स्ट टाइम मेरा जब एक्सपीरियंस हुआ था चिलीज में, सो हेलो सर नमस्ते, बोला हाँ जी कहिए, पहले मैं गया था मॉल, उसके अंदर गया, एक लड़का मिला स्टाफ, तो मेरे अंदर एक्सपीरियंस था, तो ध्यान था कि भाई अब डायरेक्ट पूछना है तो वहीं, सो मैंने उस पता नहीं क्या दिमाग घुमा, मैंने बोल दिया कि आपके सीनियर से मिलना चाहूँगा, हाँ याद आ गया मुझे, वहीं ठीक उसके सामने था एक रेस्टोरेंट जिसका लड़का मुझे बताया था कि आप जाकर के डायरेक्ट सनी सर को बोलना, वहाँ जाकर के बोलना स्टाफ को कि सनी सर से मिलना, उन्हीं से बात करना, तब मैं उन्हीं बोला था, तो मिलाया सनी सर से, बोले नमस्ते सर, बोला नमस्ते, बोले एक्चुअली सर आई एम सर्चिंग फॉर जॉब फॉर 4-5 डेज, मतलब 4-5 दिनों से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, सो इज देयर एनी वैकेंसी, प्लीज सर मुझे बताइए, मुझे जॉब की बहुत नीड है, तो पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने बताया यहाँ रहता हूँ, सो आपने इससे पहले कभी जॉब किया, बोले नहीं सर आई एम अ फ्रेशर, और मैंने कोई भी जॉब नहीं किया, आई एम अ स्टूडेंट, लाइक मैं स्टूडेंट की तरह आई हूँ, सो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, बोला कोई दिक्कत नहीं आइए नेक्स्ट टाइम रिज्यूम वगैरह लेकर के, 2-3 दिन का वो टाइम दिया या नेक्स्ट डे, ध्यान अब नहीं आ रहा है, 3 साल हो गया उस मैटर को, तो ऐसे करके मेरी जॉब लग गई वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे अंदर एक्सपीरियंस आया, क्योंकि उसके बाद भी मैं वो जॉब छोड़ चुका था, मुझे एग्जाम देने के लिए आना पड़ा, फिर मैं मॉल में गया, अस्पार में जॉब किया, जारा में जॉब किया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया भाई, सो एक्सपीरियंस मैटर करती है, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस मैटर करेगी, शिक्षा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता, अनुभव मैटर करता, सो एक्सपीरियंस जरूरी है। आप काफ़ी पढ़े लिखे हो तो भी कोई उच्च मतलब बढ़िया काम नहीं है अगर जो आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा, फिर आपको हर चीज़ से सीखना पड़ेगा, समझे नहीं, बाकी उम्मीद करते हैं सबको समझा देंगे कि जॉब करना तो एक्सपीरियंस लाइए, ठीक है जाइए, और बाकी अगर जो आपको फिर भी हेजिटेशन हो रहा है तो आप इंस्टा पे मिलिए, हमारे इंस्टा की आईडी है rahuljekhar00, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्क्रीनशॉट ये रहा, कॉलिंग के लिए वैकेंसी है अभी खाली CAT 24 में, उसमें लगवा देंगे, बट उसमें भी 3 राउंड का इंटरव्यू होता है भाई, उसके लिए रेडी रहना, मैं वैकेंसी बता दूंगा, इंटरव्यू देना आपकी काम है, ठीक है। बाकी जॉब करना है भाई तो बिल्कुल बुरे वक्त में अपनी बाजुओं की ताकत और अपना ये कल काम आता है, ये सब
तैयार रखिए। बाकी कितना मोटिवेशन दूंगा, आप लोग तो एक से एक मोटिवेशन को देखते हो, आप लोग खुद मोटिवेटेड होंगे, है कि नहीं। सो इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थोड़ा बहुत हमारी कोशिश रही आपको बढ़िया समझाने की, अगर जो कुछ गलत समझा दिया उसके लिए सॉरी भाई दिल से। और कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक दीजिए, ठीक है। अच्छा लगा लाइक कीजिए, और अच्छा लगा कमेंट करके फीडबैक दो कि हाँ भाई वीडियो में ये त्रुटि मिली, या ये अच्छा लगा, या ये सिखाऊं, या ये और थोड़ा सिखा देता तो मज़ा आ जाता। कुछ सजेस्ट करो, कुछ कंटेंट है आपके मन में कि राहुल भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो वो भी कमेंट कीजिए। और अच्छा लगा शेयर कीजिए अपने दोस्तों वगैरह से, और अच्छा लगा सब्सक्राइब वगैरह करके जाना भाई। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सॉरी कि आप लोगों को बोनस टिप्स तो देना भूल ही गया था, मैंने बोला था आप लोगों को लास्ट में बोनस टिप्स दूंगा। और जो मैंने बताया था कि 30 से प्लस जो वैकेंसी आई हुई है, तो दरअसल बात ऐसा है कि पैसिफिक मॉल जो मैं बताते रहता हूँ ना दिल्ली सुभाष नगर में, उसी में वैकेंसी आए हुए हैं फंकी आइलैंड में, ठीक है। उसमें वैकेंसी लगभग 30 प्लस लड़कों के लिए, ठीक है। सो उन्हीं में से किसी एक लड़का ने मुझे बताया जिन जिनको मैं जॉब लगवाया हूँ, तो बोला भाई कोई है तो बता दो उन सबको, ठीक है। सो आप लोग अगर जो जॉब करना चाहेंगे तो जितना जल्दी से जल्दी हो सको, अगर जो सुभाष नगर के नियर बाई में हो या सुभाष नगर में ही हो तो जाइए पैसिफिक मॉल सुभाष नगर, उसमें वैकेंसी है खाली फंकी आइलैंड, ध्यान रखिएगा। उसमें जाइए बिल्कुल पास कीजिए इंटरव्यू, दुआ करते हैं जॉब लग जाएगी आपकी। लव यू भाई।